आए हैं, लाडले हैं। जब उद्धव जी से उन्होंने सुना था कि भगवान नित्य धाम चले गए तो विदुर जी बहुत व्यथित हो गए। उद्धव जी ने कहा कि जब भगवान कृष्ण गए थे उस समय अंतिम समय में दो चार लोग थे, जिसमें उद्धव जी, मैत्रेय ऋषि। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने भागवत धर्म का उपदेश दिया था। तो विदुर जी ने कहा वो उपदेश मुझे भी सुनाओ। तो उद्धव जी ने कहा तुम मैत्रेय ऋषि के पास में जाओ, वो आपको सुनाएंगे। मैत्रेय ऋषि के पास में आ गए, बड़ा स्वागत सम्मान किया है। उसके बाद में सबसे पहला प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से किया, सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखं वान्यदुपारमं वा। विदुर जी ने कहा भगवान मेरे एक बात समझ में नहीं आई, संसार में जितने भी प्राणी हैं, लोग हैं, वो सुख के लिए कार्य करते हैं, लेकिन कई बार सुख तो हाथ नहीं लगता है पर दुख जरूर मिल जाता है। आपने भी देखा होगा कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करेगा उद्देश्य क्या है, सुखी हो जाए। चोर चोरी करता किस लिए, वो चोरी करेंगे धन मिलेगा, धन से बिल्कुल वस्तुओं खरीदेंगे तो सुखी हो जाएंगे। जुआरी जुआ खेलता किस लिए, बोले उसे सुख मिलता है। शराबी शराब पीता किस लिए, बस को टेंशन नहीं रहेगी। तो संसार में कोई भी आदमी कुछ भी कार्य करता है तो उद्देश्य क्या रहता है उसका, सुखी हो जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि दुख को कोई नहीं चाहता। प्रेम से बोलो राधे राधे। दुख को कोई भी नहीं चाहता है फिर भी दुख मिलता है, सुख को सब चाहते हैं फिर भी कई बार सुख मिलता नहीं। ऐसा क्यों, ये सब हम लोगों के जीवनोपयोगी प्रश्न है। अच्छा, संसार में जब तक तो कोई वस्तु मिल नहीं जाती तब तक लगता कि अब सुख है इसमें, और मिलने के बाद सुख आगे बढ़ जाता। कोई व्यक्ति इस गर्मी में, उपेंद्र देव की बड़ी कृपा, भगवान की मौसम कितना अच्छा कर दिया, नहीं तो यहाँ पर थोड़ी गर्म गर्म हवा से सिक रहे होते। गर्मी में कोई व्यक्ति पैदल जा रहा हो, पसीना निकले और बगल से कोई साइकिल वाला जाए तो उसे लगता नहीं हमसे ये व्यक्ति सुखी है, हम एक घंटे में 5 किलोमीटर पहुंचेंगे, ये 15 किलोमीटर पहुंच जाएगा। और उसको साइकिल दे दो तो बड़ा थोड़ी देर अच्छा लगेगा उसे, लेकिन बगल से कोई मोटरसाइकिल वाला निकलेगा तो उसे लगा नहीं 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 हमसे ये ज्यादा सुखी है, इसको तो कुछ करने नहीं पड़ता, केवल खाने पीने। और उसको मोटरसाइकिल दे दो थोड़ी देर उसको सुख लगेगा, लेकिन बगल से कोई फोर व्हीलर वाला जाएगा और एसी चल रही है उसमें तो उसको लगा रहे नहीं नहीं यहाँ गर्मी लग रही है, कार में तो बहुत आनंद है। और कार उसे मिल जाए तो थोड़ी देर सुखी रहेगा, फिर उसमें और अच्छी क्वालिटी वाली कार मिल जाए, और वो भी मिल जाए तो फिर उसका इरादा और हवाई जहाज मिल जाए। सुख संसार में है नहीं, जो चीज नहीं मिलती उसमें सुख लगता, फिर सुख और आगे आगे बढ़ता जाता। अच्छा, ये कभी आपने विचार नहीं किया है कि व्यक्ति हमेशा सुख ही क्यों चाहता, दुख क्यों नहीं चाहता। संतों ने इसका समाधान दिया है, प्रत्येक वस्तु अपने मूल में मिलना चाहती है। पृथ्वी का एक ढेला उठाकर आप ऊपर फेंकोगे थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा, जल को आप ऊपर फेंक तो नीचे जाएगा, पर माचिस की तिल्ली आप जलाओ तो उसकी लौ नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी। अग्नि का जो केंद्र बिंदु सूर्य है वो ऊपर है, जल नीचे है, पाताल में जल उधर खिंच रहा है। इसी तरह से जो जीवात्मा है ना वो भगवान का अंश है। ममई मांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, गीता में भगवान कहती है जीव जो है ना मेरा सनातन अंश है। तो भगवान हो गए अंशी और जीव हो गया अंश। तो भगवान सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसलिए ये जीव भी सुखी होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है। लेकिन गलती बहुत बड़ी ये हो गई, जहाँ सुख है जहाँ आनंद है उस जगह को छोड़ करके जहाँ दुख है उस दुख में सुख को ढूंढ रहा है।
अब जो चीज जहाँ है वहीं तो मिलेगी, दूसरी जगह कैसे मिलेगी? आप यहाँ बैठे हो पंडाल में, इस जगह को छोड़ के पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें खोजा जाए कहीं मिलोगे नहीं, कि जहाँ हो वहां मिलोगे। ऐसे सुख संसार में है नहीं, अभी तक कोई सुखी हुआ नहीं, सुखी है नहीं, सुखी हो सकता नहीं। सुखी तो भगवान की भक्ति में, भजन करने में, भगवान में सुख है। गोस्वामी जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशी, चेतन सहज सुख राशी, सो जीव ईश्वर का अंश है, सनातन है, लेकिन माया के बस में होकर के मरकट और तोते की तरह स्वयं ने बंधन बांध लिया। कितनी बड़ी कोठी चुनाव, लेकिन शरीर पूरा हो जाए तो कोठी साथ में थोड़ी जाती है, न वो रोती। हमने जबरदस्ती संसार को पकड़ रखा। बंदर को पकड़ने वाले कई बार ऐसे ही करते हैं, सुराही जैसी रखते हैं, उसमें डाल देते चना, सुराही का छेद छोटा होता, बंदर का खाली हाथ उसमें अंदर चला जाता है और अंदर जाके वो चना को पकड़ लेता है। चना पकड़ेगा तो मुट्ठी मोटी होगी, तो वो छेद से निकलती नहीं और चना को छोड़ना नहीं चाहता। वो हालत हम लोगों की हो रही है, संसार ने थोड़ी पकड़ा, हमने ही संसार को पकड़ रखा। सुख संसार में नहीं है, सुख भगवान में है, उनकी कथा में, उनके ध्यान में है। इसलिए सुख अगर चाहते हो तो भगवान की शरण में आ जाओ। मेडिकल पे कोई व्यक्ति जाए और कहे भाई साहब गर्मा गर्म जलेबी दे दो, तो कहेगा पागल हो गए क्या, यहाँ तो सिर दर्द हो, बुखार हो, तो दवाई ले जाओ। हलवाई की दुकान पर जाओ, तो भाई साहब बड़ी जोर की सिर दर्द हो रहा है, टेबलेट दे दो, तो वो कहेगा नहीं भैया यहाँ मिठाई मिलती है। पुस्तकालय में जाओ तो वहां पुस्तकें, जो चीज जहां है वहां मिलेगी, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे अगर सुख चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। और संसार में तो दुख ही दुख भरा पड़ा है, देखने में लगता है कि वो आदमी के पास पैसा बहुत बहुत सुखी है, पर पास में जाओ दुख शुरू हो जाएगा उसका। इसलिए संतों ने कहा सुख तो भगवान में है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे